बच्चों एक टाइम था जब किसी बच्चे के 60% बोर्ड में आ जाते थे तो पूरे गांव में मिठाइयां बंटती थी, पूरे गांव में खुशी का माहौल होता था कि हाँ भाई उस बच्चे के 60% आ गए। लेकिन एक आज का टाइम है, हर बच्चा ये चाहता है कि वो 90+, 95+ या फिर 100 के आसपास ही रहे, और हर माँ बाप की भी यही इच्छा है कि हमारे बच्चे के 80, 90 या फिर वो 100 के आसपास रहे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आप लोगों को 5 मंत्र ऐसे बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप 100 डेज की स्ट्रैटेजी से अपने 95+ स्कोर कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपके पास ऐसे कौन से 5 मंत्र हैं? तो ये मंत्र कोई टोना टोटका नहीं है आपके लिए, ये केवल स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीजें हम आपको बताने वाले हैं जिनको फॉलो करके काफी सारे बच्चे पहले भी 95+ ला चुके हैं, 90+ ला चुके हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी अगर हम आपसे ये चीजें शेयर करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। बच्चों सबसे पहले हम लोगों को बड़ी चिंता रहती है कि यार सिलेबस करें, नोट्स बनाएं या नोट्स कहीं से उठा लें या फिर रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से लाएं, तो इस चीज की बड़ी दिक्कत होती है। मैं अपनी बात को 2 या 3 मिनट में खत्म कर दूंगा, आप लोगों को 5 मंत्र बहुत ही सिंपली बता दूंगा जिससे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कतें फेस ना करो। बच्चों पहला मंत्र आप लोगों के लिए है NCERT+ रिवीजन। ठीक है, पहली चीज क्या है? अब आप ये मत सोचना कि मैं 2 बातें आपको बता के यहां से चला जाऊंगा तो इसका कोई महत्व नहीं होगा। हम आपको बताएंगे तरीका कि कैसे करना है। ठीक है, ना मैं आपको ये कहूंगा कि पूरी वीडियो देखो, ना मैं आपको ये कहूंगा कि सब्सक्राइब करो। जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ यूजफुल ही है तब आप इन स्टेप्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। बच्चों वीडियो देखो, वीडियो का आनंद लो, और अगर इससे कुछ हासिल हो तो आप आगे इसको फॉरवर्ड करें। अब ध्यान दीजिए, पहले नंबर पे आप एनसीईआरटी, मैं जहां तक सभी टीचर्स और स्कूल्स के बारे में जानता हूं तो बहुत कम लोग एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं। मतलब क्लासेस में भी वो लोग साइड बुक, कोई भी साइड बुक होगी आपकी, मंजीत कौर हो या ऑल इन वन हो या कोई और बुक हो, उसको प्रेफर करते हैं कि आप इसको पढ़िए। हम ये नहीं कहते कि वो बुक बेकार है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप अपनी एनसीईआरटी और उसका रिवीजन अपने साथ में रखिए। ये पहला मंत्र है। जिस बच्चे ने पढ़ी एनसीईआरटी वो कभी किसी बोर्ड में कम मार्क्स नहीं लाया, ये आज तक का रिकॉर्ड है। चाहे आप किसी अपने पुराने फ्रेंड से पूछ सकते हैं जो 10th कर चुका हो या 12th कर चुका हो। ठीक है, पहले नंबर पे एनसीईआरटी प्लस रिवीजन। रिवीजन में इसकी रीडिंग का भी ध्यान रखें, रीडिंग आपको जरूर करनी है 101%। ये आपके लिए एक मूल मंत्र साबित होगा। ठीक है, नंबर 2 पे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग आप लोगों से हमेशा कहते हैं कि आपने सिलेबस पढ़ लिया? कहने हाँ सर पढ़ लिया। हम आपको कहते हैं, कहने रिवीजन कर लिया? हाँ सर कर लिया। लेकिन जब बच्चा बोर्ड में जाता है तो वहां वो क्वेश्चन फेस करता है, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने उनको कराई नहीं है, तो बच्चे को वहां दिक्कत आएगी। आप लोग अगर ये सोचते हो कि अपना सिलेबस करके, अपना हम लोग रीडिंग करके, हम लोग वहां पे क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी निकालने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको कहां से मिलेंगे ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, कहां से आपको प्रॉपर तरीके से आपके सेट मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और अनसोल्ड भी होंगे और सोल्ड भी होंगे। आपको कोई सैंपल पेपर नहीं खरीदना है, ये भी मैं आपको कह रहा हूं। नंबर 3 पे बच्चों हम लोग मेन जो चीजें हैं हमारी वो रहेगी। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस बुक का यूज करिए, आप कहेंगे सर पहले वाले में तो आपने मना कर दी। मैंने कहा था कि आपको मना नहीं है, आप मंजीत कौर यानी लखमीर सिंह वाली जो बुक आती है उस लखमीर सिंह वाली बुक को भी अपने अपने साथ साथ जब ये काम आपका हो जाए तो रीडिंग करिए, रीडिंग करिए और समझिए उसके क्वेश्चंस को, और उसके क्वेश्चंस को करिए प्रॉपर तरीके से। साथ में एनसीईआरटी की एक्टिविटी, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक्टिविटी कभी कोई नहीं कराता है। ठीक है, एक्टिविटीज आपको कहां से मिलेंगी, सोल्ड कहां से मिलेंगी एक्टिविटीज, ये आपको मैं बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। फिलहाल आपको 3 चीजें आपको बता दी हैं, अब इन 3 चीजों में फोर्थ चीज आपकी क्या है? फोर्थ चीज बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर ये चीज आप नहीं करते हैं तो हो सकता है आप बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स लाओ। बच्चों ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बोर्ड का, बोर्ड के हिसाब का पता लग जाता है कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन देगा बोर्ड। अब पिछला साल तो है नहीं कि कोरोना लगा हुआ है और आधा सिलेबस कट हो गया, इस बार पूरा सिलेबस आ रहा है बच्चों। तो अगर पूरे सिलेबस पे फोकस करना है तो सिंपल सी बात है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हो सकता है पिछले साल वाला आप ना देखें, लेकिन टर्म वन और टर्म टू के अगर पेपर आपके पास रखे हो तो डोंट वरी, आप उनको सॉल्व करिए। क्योंकि सीबीएसई की मेंटेलिटी का पता चलता है, पता कैसे चलता है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में। और नंबर पांच बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है, अगर इस मंत्र को आप लोगों ने अपने साथ अपने पास रख लिया, इस पे इंप्लीमेंट कर लिया, तो डेफिनेटली आप 100 के आसपास ही रहेंगे। बच्चों पांचवा मंत्र है बी विद अस, यानी हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम आपको कराने वाले हैं तैयारी। अब आप ये कहेंगे गुरुजी तो प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे प्रमोशन। बच्चों आप लोग हमारे साथ रहिए बोर्ड एग्जाम तक बिल्कुल फ्री में, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लेंगे। हम आपको बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, हम आपको बताएंगे आपको कब पढ़ना है, हम आपको बताएंगे आपको क्या पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, इन सब चीजों का एक मेन जो रोल है वो कहाँ रहेगा? बच्चों आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत होगी, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स की जरूरत होगी, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत सारे चाहिए बल्क में सॉल्व करने के लिए, अनसोल्ड चाहिए आपको, तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये सब चीज आपको बच्चों कहां पे मिलेगी? ये सब चीज आपको मिलेगी हमारी एप्लीकेशन पर। अब आप कहेंगे सर आप तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमसे पैसे मांगेंगे। बच्चों मैं आपसे कोई पैसा नहीं चाहता कि आप हमें पैसा दो। बच्चों जब आप 10th कर लेंगे अच्छे मार्क्स से, आपको याद आ जाएगी कपिल चौधरी सर हैं और हमें बोर्ड में उन्होंने इतनी हेल्प करी थी। बच्चों पहली चीज आप ऐप को बस डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, उसमें एक कोर्स आपको दिखेगा, वो कोर्स आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ऑटोमेटिक आपको वो माई कोर्सेस में मिल जाएगा, क्योंकि वो कोर्स बिल्कुल फ्री है। वहां हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी नहीं करनी है, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है, कब किस समय आपको वो काम करना है। बच्चों ये पांच मंत्र अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम से पहले इन 100 days में कर लिए तो डेफिनेटली आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ गेन जरूर करेंगे। जिन बच्चों को लगता हो कि हाँ हम तैयारी करा सकते हैं, वो बच्चा ऐप पे आए और हमारे जितने सारे सजेशंस हम लोग आप लोगों को देंगे, जितने सारे तरीके आप लोगों को देंगे, जितने सैंपल पेपर्स आपको देंगे, जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देंगे, वो सब आपने सॉल्व कर लिए तो आप धन्य हो जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में लट कर जाएंगे, आप ये समझिए बस। बच्चों वीडियो अब हेल्पफुल आपको लगी हो तो शेयर करना ना भूलें अपने सीबीएसई बोर्ड के किसी भी बच्चे को, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल जरूरी है, और साथ में बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, धन्यवाद।